हाय एवरीवन, वेलकम टू शिल्पी सिन्हा बिहारी किचन। आज हम कुछ पकाने नहीं, कुछ बनाने आए हैं। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि अनार का जूस कैसे निकलता है। इसके लिए हम 3 अनार लिए हैं। हम इसका जूस निकालेंगे। देखिए, ये अनार है, इसको हम इस तरह से बीच से कट लगा देंगे। इस तरह से बीच से कट लगा देना है। इसको निकाल दिए। इसका जो बीच का पार्ट है, इसको भी हम इस तरह से निकाल देंगे। देखिए, इसको हम थोड़ा सा और गहरा इधर से निकालेंगे। इस तरह से इसको निकाल दिए। अब यहाँ से हमको कट लगा देना है, हल्का सा कट लगाना है। ज़्यादा ज़्यादा इसमें मोटा कट मत लगाइएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम इसको फाड़ दिए हैं। ये जो उजला वाला पार्ट है, इसको हमको इस तरह से हटा देना है। देखिए, एक हम बाउल लिए हैं, इस तरह से इसको पीछे से ऐसे उलट देते हैं। पीछे से हम एक चम्मच लिए हैं, इसको इस तरह से इस पर पीटेंगे। देखिए, दाना गिर रहा है नीचे। देखिए, इस तरह हम सारा दाना निकाल लिए हैं, अब नहीं गिर रहा है दाना। देखिए, अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दाना निकालने का, इसमें जूस बर्बाद नहीं होगा ज़्यादा। इस तरह से हम और जो दाना बचा हुआ है, इसको निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह हम एक अनार का सारा दाना निकाल लिए हैं। इसमें एक भी दाना खराब नहीं दिख रहा है। अगर खराब दाना इसमें हो तो आप चुन ले सकते हैं। इसी तरह से हम और 2 अनार का दाना निकाल लेंगे। देखिए, हम 3 अनार का दाना निकाल लिए हैं। अब हम इसको मिक्सी के जार में हल्का सा पीसेंगे। देखिए, मिक्सी का जार लिए हैं, इसको हम इसमें डाल देते हैं। इस तरह से हम इसको डाल दिए। आप इसमें चाहें तो 2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। हम इसको इसी तरह से पीस रहे हैं। देखिए, अब हम अनार के दाना को पीस लिए हैं। तो अब हम इसे छानेंगे। तो हम एक बाउल लिए हैं, इस पर हम इस तरह से छन्ना रखेंगे और इसको हम इसमें डालते हैं। देखिए, इस तरह से हम इसमें डाल दिए। इसको इस तरह से चम्मच से दाब देना है। देखिए, इस तरह से सारा बीज बाहर आ गया है और जूस निकल गया है। तो अब जूस को हम एक ग्लास में डाल लेते हैं। देखिए, हम ग्लास लिए हैं, इसको इस तरह से इसको चाहिए आप तो 2 इसमें भी 2 ग्लास में डाल सकते हैं, हाफ हाफ इस तरह से। देखिए, अनार का जूस बनकर तैयार है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, जिससे कि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।